घोड़ा बराज लगातार 3 साल से टूटा रहने से सारा पानी नदी में बह जाता रहा और किसानों की जमीन पड़ती रहा। किसानों का दुर्दशा देखकर महागामा विधानसभा क्षेत्र के विधायिका दीपिका सिंह पांडे के पहल से घोड़ा बराज का टूटा बांध बांधने का टेंडर हुआ है, लेकिन जेई के द्वारा जैसे तैसे मिट्टी डाला गया और पुराना पत्थर बिखरा हुआ पत्थर से कार्य किया जा रहा है। जेई दुर्गा प्रसाद शर्मा के द्वारा कार्य किया जा रहा, गुणवत्ता में घोर अनियमितता देखने को मिल रहा है। किसानों के नाम पर किस तरह लूट खसोट हो रहा है, एस्टीमेट को ताक पर रखकर घोड़ा बराज का काम किया जा रहा, गुणवत्ता में सुधार किसी प्रकार देखने को नहीं मिल रहा है। 25 गांव के किसानों का विरोध करने के बावजूद भी कई वर्षों किसान घोड़ा बराज पानी के बिना मार झेल रहे हैं। पिछले साल किसान सुखाड़ के चपेट रहा, आज किसानों के घर में अनाज नहीं है। सरकार की तरफ से जो राशन मिलता उसी का एक सहारा बना, किसानों के बच्चे एक एक अनाज के लिए तरस रहे हैं। जो किसान हर तबके के लोगों को पेट भरता था, घोड़ा बराज बांध बांधने के नाम हर साल लाखों लाख घोड़ा बराज बांधने का टेंडर होता है, तब किसानों का उम्मीद जगता है कि घोड़ा बराज चेक डैम से किसानों को खेत में पानी मिलेगा, लेकिन बरसात आते ही बांध टूट जाता है और नदी में पानी बह जाता है। हजारों हजार बीघा का धान पानी के बिना बर्बाद हो जाता है। विभाग सुधी तक नहीं लेते हैं किसानों का। क्या शिकायत है आप लोगों को सर, बताइए। बराज के तटबंध को लेकर बराबर कुछ न कुछ काम का इसमें टेंडर निकलते रहता है और इसकी मरम्मति चलती रहती है। पिछले साल तो भी तो निकला था और किसानों को पानी मिलता ही नहीं है। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ से जी साहब ने बताया कि यहाँ से मिट्टी देना है जी, यहाँ से मिट्टी देना है स्लोपिंग करते हुए जी। तो अभी तो बहुत काफ़ी दूर में है मिट्टी का कार्य। क्या इंजीनियर के क्या कहना कि यहाँ से नहीं मिलेगा? यहाँ से अब बोला कि नहीं, वहीं से मिट्टी देगा। यहाँ मिट्टी की कमी है। पिछले साल देखा जाए जी, ये इतना इतना जो बिखरा हुआ बोरा पड़ा हुआ है जी, पिछले साल भी इस पर काम हुआ है और हम लोगों को आशंका है कि इस तरह इस बार भी लिपापोती नहीं हो और इसी तरह दह न जाए। इसलिए कि हम लोग आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, और काफ़ी ये बोरिए का जो बोरा जो इससे तट को टूटा गया था, पिछले बार में लाखों लाख की टेंडर हुई थी और आप सीधा स्क्रीन से देख रहे हैं कि ये बिखरा हुआ और हजारों बीघा ये टूट के भी नहीं संभला और टूट के भी हजारों हजार बीघा पड़ती रह गया। आप सीधा स्क्रीन से, और इसलिए किसानों को शिकायत था कि फिर से दोबारा जो लाखों लाख की टेंडर हुई है, करोड़ों लाख की टेंडर हुआ, इसी तरह बिखरा हुआ न रह जाए और हम लोग सुखाड़ के चपेट में आ जाए। क्या सर यही कहना है? हाँ, और इस बार अगर इस तरह की कोई बातें होती है कि बराज से अगर पानी हम लोगों को नहीं मिलता है, तटबंध फिर टूटता है, इसकी सारी जवाबदेही जो है संवेदक और इसके अधिकारी की होगी जी, और उसके लिए किसान की तरफ से मुआवजा के लिए हम लोग मांग करेंगे। क्या आंदोलन भी होगा अगर ऐसा होगा? बिल्कुल, इसके लिए हम लोग युद्ध स्तर पर आंदोलन खड़ा करेंगे जी। आप लोगों क्या शिकायत है? इस बार अगर बांध टूट गया तो हम लोगों को शिकायत है कि इस बार ऐसा आंदोलन करेंगे कि इसका जेई और इंजीनियर जो भी है, ये दुर्गा यहाँ का जो देख रेख कर रहा है, उसको सारी भुगतता यहाँ का भुगतान सारे किसान को इसको भुगतना पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गनौरी शाह है जी। कहाँ का रहने वाले? मुरढ़िया, पंचायत मुरढ़िया। और आपको एक चीज, ये बराज से कितने गांव प्रभावित होते हैं? इससे कम से कम तो हजार बीघा का पटवन होता है। कितनी गाँव प्रभावित होते हैं? कम से कम तो 50-100 गाँव लगभग इससे प्रभावित होता है। जरा कुछ और किसानों से मैं जानकारी लेना चाहेंगे सर, ये जो बांध अगर टूटा तो आपकी जो सूखा के चपेट में आ गया, कितने गांव प्रभावित हुए? दो प्रखंड इससे प्रभावित होता है। और दो प्रखंड का माने कि कितने किसान होना चाहिए? 2000 किसान के उससे भी ज़्यादा, कम से कम एकड़ यहाँ पे है, कम से कम 10,000 एकड़ जमीन प्रभावित होता है जी। और जो तो सरकार तो व्यवस्था कर रही है कि लाखों लाख टेंडर करके इसको बराज को बनाया जा रहा है, फिर भी देखें धरातल पर जो बराबर टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये सब जो है ना सब बेकार हो जाता है, टूटा हुआ नजर आ रहा है। ये सब जो है ना सब बेकार हो जाता है, हम किसान जो है हतोत्साहित होकर के फिर अन्न के लिए मोहताज हो जाते हैं। आपका नाम सर? उमाकांत मंडल, ग्राम महुआरा, पंचायत चंदा। अगर इस तरह के फिर ब्राइट टूट जाती है एक साल बन के, तब उसका क्या करेंगे? हम किसान पुनः आंदोलन करेंगे, सरकार को हमने संज्ञान में दे दिया है और हो सके तो इस बराज के लिए हम लोग आत्मदाह भी करेंगे। हम किसान, मैं चेतावनी देता हूं सरकार को जी, हाँ, इसकी पूरी जवाबदेही सरकार, अधिकारी और संवेदक होंगे जी। अभी तो संवेदक और आपका जेई इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर ही करा रहे हैं, सारे लोग जिम्मेदार होंगे
जी हाँ, क्या उनसे भी मिले हैं इंजीनियर से? हाँ, मैंने सबसे आग्रह किया है, लेकिन वो लोग सिर्फ झूठे बात बोल करके अपने कार्यालय से ही हैं में रह जाते हैं, आते नहीं धरातल पे, कुछ नहीं देखते हैं, किसानों के एक भी नहीं सुना जाता, कुछ भी नहीं सुना जाता है स्थानीय। और यहाँ देख लीजिए ये क्या दशा है पिछले साल का, और ये भी ये जमीन को देखिए जो मिट्टी भरा है, ये तो कहाँ रोलर चला है, और ये तो ऐसा रूप है देख लीजिए, ये तो जैसे तैसे अभी मिट्टी का कार्य किया गया, कुछ मिट्टी कार्य का ये रोहिन नक्षत्र पार हो गया जी, किसान का आम नक्षत्र पार गया, अगर बढ़िया से बारिश हो जाती तो ये काम तो अधूरा फिर रह जाता जी है। और ये जो आप देख रहे हैं कि लाखों लाख जो पिछला बार टेंडर हुई थी यार, जो बुरिया जो इसको बनाया गया था, और ये देखते हैं बिखरा हुआ, ये इस पर ये सारा संपत्ति चली गई, सारी संपत्ति चली गई, और किसान को हाथ में कुछ नहीं लगा, मतलब किसानों के धोखा दिया, किसानों को बिल्कुल धोखा दे दिया है सर जी। सर आपका पल्स 24 में सर स्वागत है, धन्यवाद सर।